स्वागत है। G20 का स्वागत है। G20 का स्वागत है। G20 नीचे रखना यार, ये 60 प्रदेशों 60 स्टेट 60 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ श्रीनगर के अंदर पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं और बड़ा 85% GDP ऑफ द वर्ल्ड उन कंट्रीज वहाँ इकट्ठे होकर के हिंदुस्तान के अंदर GDP के विषय के अंदर टूरिस्ट कैसे बढ़े उसके विषय के अंदर विचार चल रहा है। ये पहला मौका है जो मोदी जी के समय ये मौका पहली बार प्रदान हुआ है। बुर्ज खलीफा जिसने बनाया वो बंदा वहाँ माल बना रहा है और पाकिस्तान छेड़खानी करने का प्रयास करना चाहता है। पाकिस्तान आज भी कह रहा है कि भाई साहब वहाँ किस तरह से मुझे एक ड्राइवर एक होटल का पकड़ा गया जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट था कि ये पूरे के पूरा होटल के ऊपर हमला करें 9/11 इस तरह का प्रयास करने का प्रयास करा और बाहर वाले करेंगे पाकिस्तानी करेंगे ये तो आशा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को भी बड़ा कष्ट है, ट्विटर बॉय को भी बड़ा कष्ट है। कष्ट किस लिए है कि कश्मीर के हालात बड़े अच्छे हैं, 60 प्रदेशों के प्रतिनिधि वहाँ आकर के और अपना कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मैसेज आ रहा है इसके लिए कश्मीर के नेताओं को वही कष्ट है जो पाकिस्तान वालों को कष्ट है। अब पाकिस्तानी कष्ट और कश्मीर के नेताओं का कष्ट का निवारण ये जो हम यहाँ ढोल नगाड़े और बर्फी लड्डू खिला करके करने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। आज जीत का समय है, ढोल नगाड़े बजाने का समय है, आज खुशियां मनाने का समय है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके मुंह के ऊपर चांटा मारने का समय है ताकि उनको ये बात को रियलाइज कर लें कि जो हालात पत्थरबाजों के थे वो समाप्त हो गए, जो पैसा वहाँ फाइनेंस करते थे वो गए, हुरियत वाले गायब हो गए और अब खुशहाली और G20 के प्रदेशों आकर के 85% जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर GDP है वो लोग आकर के यहाँ अपने प्रदेशों के लोग भेज करके अपने कंट्रीज के लोग भेज करके टूरिज्म के विषय के अंदर चाहे श्रीनगर होगा जम्मू होगा, मैं इसमें कुछ शब्द यही ऐड करना चाहता हूँ, उन लोगों को यहाँ पर भी राउंड कटवाया जाए जम्मू का ताकि यहाँ भी ज़्यादा टूरिस्ट बढ़े और समाधान करने का प्रयास करें।